दुनिया में हड़कंप मच गया। जी हाँ, सीज फायर से महज कुछ ही घंटे पहले इसराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर खौफनाक जोरदार हमला कर दिया और खबर यह सामने आ रही है कि इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील तक हो चुकी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसराइल ने सीज फायर डील की आड़ में हमास को धोखा देकर यह हमला किया, जिसमें हमास के टॉप कमांडर और लड़ाके अपनी जान गंवा चुके हैं। मार दिए 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। नवंबर 2023 से हमास और इसराइल के बीच सीज फायर लागू होना था, लेकिन गाजा में इजरायली सेना ने इतना भीषण हमला किया है कि देखते ही देखते 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली सेना के हमले में मार दिए गए हैं। सीज फायर लागू होने से महज कुछ घंटे पहले हुए इस हमले ने हमास के होश उड़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक सीज फायर लागू होने से ठीक पहले हुए इस हमले ने अरब और मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अब इस बात से खौफ में हैं कि कहीं सीज फायर की डील टूट ना जाए। हम आपको सीज फायर डील के दौरान हुए इस हमले की वो इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 4 दिन के सीज फायर से सबसे ज्यादा फायदा हमास को होने जा रहा था। लेकिन इसराइल की आईडीएफ ने गाजा में बड़ा हमला करके हमास को सीज फायर के जाल में फंसाकर मारना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों हमास का लादेन दक्षिणी गाजा को इजरायली हमलों से बचाने की कोशिश में जुटा है, जिसके मंसूबों पर अब इजरायल ने पानी फेर दिया है। गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में कहां कहां हमले किए हैं, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और क्यों खान यूनिस के कसाई के नाम से मशहूर हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार इजरायली हमले के बाद भाग गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में अब तक के 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। पैतालीस हजार हमास लड़ाकों में से 10,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना अब तक 80 मीटर गहराई में मौजूद हमास के 400 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। जबकि हॉस्पिटल, मस्जिदों, स्कूलों,
और रिहायशी इमारतों के नीचे बनी 300 से ज्यादा सुरंगों को आईडीएफ ने बम लगाकर उड़ा दिया है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ऐसा आखिर क्या हुआ कि इसराइल ने सीज फायर के डील के दौरान फिलिस्तीन के 200 लोगों को मार दिया। मिडिल ईस्ट की मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल हमलों ने गाजा में भारी तबाही पिछले 24 घंटे में मचाई है। इजरायल की जबरदस्त बमबारी में पिछले 18 घंटे में 80 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। स्थानीय मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में घरों, इमारतों और आवासीय इलाकों को बुरी तरह से तबाह किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने आधी रात के तुरंत बाद गाजा पट्टी में आवासीय घरों को निशाना बनाया, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। कई लोग अभी भी लापता हैं। माना जा रहा है कि कई दर्जन लोग मलबे में दबे हुए हैं। गाजा शहर के शेख राडवान में 2 घरों पर हवाई हमलों में कम 10 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस हमले से पहले उत्तरी शहर जबालिया में इजरायली बमबारी में दर्जनों लोग मारे गए थे। गाजा अधिकारियों के मुताबिक 4 दिनी सीज फायर समझौते के बाद इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में हमास के समझौते के बाद हमलों की ताजा लहर दबाई, जब इजरायली सैनिकों ने लगातार तीसरे दिन गाजा पट्टी के उत्तर में इंडोनेशियाई अस्पताल को घेर रखा है। इजराइल इज एट वॉर विद हमास। दिस इज अ वॉर दैट वी डिड नॉट स्टार्ट एंड वी डिड नॉट सीक। एन ऑपरेशनल पॉज फॉर रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस डज नॉट चेंज इट। Israel is still at war with Hamas, and we are committed achieving our goals. Defeat Hamas and bring all our hostages home. मार दिए 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसराइल सीज फायर डील के दौरान भी हमले लगातार तेज कर रहा है, तो फिर ये सीज फायर लागू कैसे होगा? पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशहूर याहया सिनवार उठाना चाहता है। इसराइल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इसराइल के रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गाजा में हमास का चीफ याहया सिनवार दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय संकट का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। इस रणनीति के तहत खान यूनिस का लादेन कहा जाने वाला याहया सिनवार इसराइली रक्षा बलों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तेज न कर सके। खान यूनिस सिनवार का मुख्य कमांड सेंटर है, और माना जा रहा है कि दबाव में इजरायली सेना अपेक्षाकृत सीमित ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकती है, जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इजरायली अफसरों का मानना है कि सिनवार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को फिर से शुरू करने में देरी करने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है। आप कुछ पॉइंट्स से समझ लीजिए। हमास का लादेन याहया सिनवार उत्तरी गाजा की बजाय दक्षिणी गाजा को बचाने पर क्यों जोर दे रहा है? गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब दक्षिणी गाजा में ही हमास काफी हद तक इजरायली सेना को टक्कर देने की कोशिश में है। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर के दौरान आईडीएफ बेहद सीमित ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में ही कर पाएगी। खान यूनिस या राफा को निशाना बनाने की बजाय इजरायली सेना नुसेरात, अल बुरायज और दील अल बलाह जैसे इलाकों पर ही सीमित हमले कर पाएगी। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पट्टी में गैर मानवीय क्षेत्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो जाएगी, और इसका नुकसान आईडीएफ को ये होगा कि हमास इजरायल के भीषण हमलों से बच जाएगा, और हमास का लादेन याहया सिनवार एक बार फिर से
दक्षिणी गाजा में हमास की सैन्य ताकत को मजबूत कर देगा। इजरायली मीडिया का ये भी दावा है कि इसीलिए दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर के आसपास इजरायली सेना सैकड़ों टैंक तैनात करने जा रही है। और इसराइल युद्ध में सीज फायर पर सस्पेंस बरकरार है और इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक ऑर्डर भी जारी किया। इस ऑर्डर के मुताबिक खुफिया एजेंसी मोसाद सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। मोसाद हमास के उन टॉप लीडर्स की लिस्ट तैयार कर रही है जो विदेशों में छिपे बैठे हैं। मोसाद को टास्क मिला है कि वो हमास के इन लीडर्स की तलाश करे और उन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतार दे। बेन्यामिन नेतन्याहू के फरमान ने हमास के आकाओं के जहन में खौफ ही खौफ भर दिया। नंबर एक, इस्माइल हानिया। नंबर दो, यहिया सिनवार। नंबर तीन, मोहम्मद दईफ। नंबर चार, खालिद मशा। हमास के इन नेताओं की मौत का काउंटडाउन मोसाद नोट कर रही है। इसराइल भले ही गाजा में सीज फायर पर उम्मीदों वाले दांत दिखा रहा हो, लेकिन उसका असली दांत अब हमास के विदेशों में छिपे नेताओं के खिलाफ दिखने वाला है। हमास के आकाओं की अब खैर नहीं है। इसराइल ने हमास नेताओं की मौत का फरमान जारी कर दिया है। हमास के ये नेता कहां छिपे हैं, इसकी पूरी डिटेल दस्तावेजों की रोशनी में आपको दिखाएंगे। वॉर रूम में बेन्यामिन नेतन्याहू, फौज के बीच बेन्यामिन नेतन्याहू, और अब दुनिया के नक्शे से हमास को साफ करने का ऐलान। רק לגבי השאלה של אלה שמחוץ לקטר, יותר נכון אלה שמחוץ לרצועה, מבחינתנו כל אנשי חמאס הם בני מוות. बेन्यामिन नेतन्याहू का एक्शन और नेतन्याहू के तेवर दोनों देखकर इसराइल युद्ध में सीज फायर की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। जिस लेवल पर इसराइल ने गाजा में बर्बादी की स्क्रिप्ट रेडी की है, उसके कंप्लीट होने तक नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ नया ऑर्डर जारी किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद को नया टास्क दिया है। ये टास्क है हमास के आतंकियों को, वो चाहे दुनिया में कहीं भी छिपे हों, चुन चुन कर मारना। मोसाद टारगेट किलिंग के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में मोसाद ने मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। दुनिया भर में मोसाद के एजेंटों को जिम्मेदारी दी गई है कि हमास के एक एक आतंकी का पता लगाओ और उन्हें मौत की नींद सुला दो। सात अक्टूबर को मोसाद फेल हो गई ये पता लगाने में कि हमास इसराइल पर हमला करने वाला है। दुनिया भर में मोसाद की ताकत पर सवाल उठे, लेकिन मोसाद ने इसका जवाब गाजा में दिया। मोसाद इस वक्त फुल ऑन एक्टिव है। गाजा के गली गली में इसराइल के सीक्रेट एजेंटों का पहरा है। हमास की करीब 500 किलोमीटर लंबी बिछी गाजा की सुरंगों का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं मोसाद के टॉप एजेंट। मोसाद अपने 7 अक्टूबर की नाकामी का बदला हमास से ले रहा है। गाजा में तो मौत बांट ही रहा है, अब मोसाद विदेशों में छिपे हमास के लीडरों को मौत की नींद सुलाएगा। हमास का एक भी टॉप का लीडर इस वक्त गाजा में नहीं है। यहिया सिनवार या इस्माइल हानिया जैसों को पकड़ने या उनके मौत या उनके खात्मे के लिए मोसाद को दूसरे देशों में ऑपरेशन चलाना होगा। मोसाद का रिकॉर्ड बताता है कि इस काम में मोसाद माहिर है। אני רוצה להיות ברור, המלחמה נמשכת, המלחמה נמשכת, אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו, להשיב את כל חטופינו, לחסל את החמאס ולהבטיח שביום שאחרי החמאס
לא ישלוט בעזה גורם שתומך בטרור, שמחנך את ילדיו לטרור, שמשלם למחבלים או לבני משפחותיהם. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल ने गाजा पर जब जब हमला किया है गाजा छोटा होता गया है। इस बार भी होना तय है, लेकिन सिर्फ गाजा में हमास के खात्मे से इसराइल का ये परमानेंट दुश्मन नेस्तो नाबूद नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमास के कंप्लीट अंत के लिए उन लीडरों को टारगेट करना होगा जो गाजा या वेस्ट बैंक में नहीं रहते। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर हमास के ये टॉप नेता ऐसी कौन सी जगह पर रहते हैं जिसे लेकर इसराइल की जवाबी कार्रवाई का उन्हें कोई डर नहीं है। कतर की राजधानी दोहा में, मिस्र की राजधानी काहिरा में, ईरान की राजधानी तेहरान में, तुर्की के इस्तांबुल में इस्माइल हानिया और उसके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। हमास के ये हुक्मरान जिस देश में रहते हैं उसके सरकारी पैसों पर मौज करते हैं, कतर में अमीरों से मिलकर हमास के लिए फंडिंग जुटाते हैं। इन पैसों का ज्यादातर हमास के टॉप लीडरशिप अपने ऐशो आराम पर खर्च करती है, लिहाजा मोसाद के लिए इन हमास नेताओं को पकड़ना या मारना मोसाद के लिए आसान टास्क नहीं है, क्योंकि हमास के टॉप नेता गाजा के किसी एक घर में मौजूद हों तो इसराइल को उसे खंडहर बनाने में एक पल की भी देर नहीं लगेगी। इसराइल का जासूसी जाल इतना बड़ा है कि उसमें बड़े से बड़े फंस जाते हैं। मोसाद की जासूसी की सफलता की कहानियां विश्व इतिहास में भरी पड़ी है। मोसाद ने सालों दशकों में जो कारनामा किया है उसे एक बार फिर दोहराने का वक्त आ गया है। मोसाद ने इसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की है इसके डिटेल आपको दिखाएंगे। उसके पहले मोसाद के बारे में कुछ बेहद जरूरी डिटेल देख लेते हैं। बिलियन के सालाना बजट और 7000 मंजे हुए कर्मियों के साथ दुनिया भर में अजी और किलिंग मशीन के नाम से मशहूर और अमेरिका की खुफिया एजेंसी यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के बाद सबसे सशक्त खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद का खुफिया जानकारी जुटाने, गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम तक पहुंचाने और आतंकवाद का मुकाबला करने में कोई सानी नहीं है। मोसाद का विशाल जासूसी नेटवर्क न सिर्फ आतंकियों के अकाओं की गतिविधियों के बारे में गहन जानकारी देता है बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी हत्याओं को अंजाम देने में भी नहीं चुकते। वेस्ट बैंक में रची गई साजिशों को नाकाम किया, दुबई में कथित तौर पर हमास के चरमपंथियों का खात्मा किया और ईरान में घुसकर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। बेन्यामिन नेतन्याहू को मोसाद पर पूरा भरोसा है। मोसाद इस भरोसे पर खरा भी उतरता है, लेकिन मोसाद कैसे हमास के नेताओं को खत्म करेगा क्योंकि जहां वो हैं वहां की सरकार उनके साथ है, ये एक बड़ा सवाल है। लिहाजा आपको मोसाद के उस डिवीजन के बारे में जरूर जानना चाहिए जो टारगेट किलिंग का मास्टर है। स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, जिसे कि मेतसादा के नाम से भी जाना जाता है, अत्यधिक संवेदनशील हत्याएं, तोड़फोड़, अर्धसैनिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे अभियान चलाता है। इसका एलएपी यानी लोहामा साइक्लोगिट विभाग मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रोपेगेंडा वगैरह के लिए जिम्मेदार होता है। इसराइल का अस्तित्व उसके संघर्षों में, उसकी लड़ाई की ताकत में, उसके जासूसी नेटवर्किंग के कारण है। इनमें से एक भी तंत्र फेल होने पर 7 अक्टूबर के तरह क्रूर हमला होता है। मोसाद 7 अक्टूबर से पहले ईरान मिशन पर था, लेकिन अब मोसाद क्या? पूरे इसराइल का एक ही मकसद है, हमास का सफाया। इस सफाए के काम में मोसाद के इशारे पर ही एक और खूंखार इसराइली यूनिट को लगाया गया है। इजरायली सेना इस वक्त दो मोर्चे पर भीषण जंग लड़ रही है। एक तरफ हमास के लड़ाकों का सफाया कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है, उनका खात्मा कर रही है। इजरायल ने महज 24 घंटे के अंदर हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद के बेटे को हवाई हमले में मार डाला। अब्बास राद को उस वक्त हवाई हमले में ढेर कर दिया गया, मार दिया गया, जब वो हिजबुल्ला के ठिकाने से इजरायली सेना पर हमला करने जा रहा था।
खून से लथपथ हिजबुल्ला इसराइल ने घुस कर मारा। जिस वक्त पूरी दुनिया हमास और इसराइल के बीच सीज फायर की खबरों को समझने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी वक्त इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला लड़ाकों पर भीषण हवाई हमला किया है। बीस से 25 लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्ला के उन ठिकानों पर सटीक हमला किया है जहां से पिछले 24 घंटे में उत्तरी इसराइल पर हमले हो रहे थे। डेढ़ महीने से ज्यादा की जंग में भले ही गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने रौंद दिया हो, लेकिन हमास का मरते दम तक साथ देने की कसम खाने वाले हिजबुल्ला ने हूथी विद्रोहियों के साथ मिलकर इजरायल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायल की स्पेशल फोर्स और घातक हवाई लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला की रीढ़ तोड़ना शुरू कर दी है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचाया है। मारा गया हिजबुल्ला के सांसद का बेटा अब्बास। इजरायली सेना ने लेबनान के विद्रोही गुट हिजबुल्ला पर अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्ला का दावा है कि 22 नवंबर को इजरायली हमले में उसके 5 लड़ाके मारे गए हैं, इनमें हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद का बेटा भी शामिल है। हिजबुल्ला ने बयान जारी कर बताया कि इजरायली हमले में हिजबुल्ला के संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद की मौत हुई है। हिजबुल्ला की ओर से मारे गए 4 दूसरे लड़ाकों की पहचान और फोटो भी जारी की है। मोहम्मद राद के परिवार से जुड़े एक सदस्य के मुताबिक हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद को बीट याहून के एक घर में इजरायली हवाई हमले में मार गिराया गया। इस हमले के दौरान कई लड़ाकों की दक्षिण लेबनान के बीट याहून में एक घर पर मौत हुई। हिजबुल्ला के संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद का मारा जाना हिजबुल्ला के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बेशक हिजबुल्ला पर इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले करके उसके ठिकानों को तबाह कर दिया हो, लेकिन यह भी सच है कि हमास की तरह हिजबुल्ला इसराइल के सामने जरा भी कमजोर नहीं है। हिजबुल्ला के पास ईरान से मिली घातक मिसाइलें और रॉकेट मौजूद है। 65,000 हिजबुल्ला के लड़ाके अमेरिकी और इसराइल की स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड है जो इसराइल में घुस कर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला पिछले 2 हफ्तों से इसराइल को धमकी दे रहे हैं कि अगर गाजा में इसराइल ने हमले बंद नहीं किए तो फिर इसराइल को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। شهدنا في الايام القليله الماضيه موجه جديده من التهديدات من نتنياهو من جالنت من جانيتس من اخرين باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف في هذا الأداء لبنان کی طرف سے اسرائیل پر پچھلے ڈیڑھ مہینوں میں 35 سے زیادہ بڑے حملے ہو چکے ہیں حملوں کے جواب میں ہی اسرائیلی سینہ نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے इसराइल के हमलों में हिजबुल्ला की टेररिस्ट सेल और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। अब तक इजरायली हमले में लेबनान में 107 लोग मारे गए हैं, इनमें से 14 नागरिक हैं। अगर हम हिजबुल्ला के लड़ाकों की बात करें, इसराइल से जंग में अब तक हिजबुल्ला के 79 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इसराइल ने सीरिया में भी हिजबुल्ला के 7 लड़ाके मार दिए हैं। वहीं हिजबुल्ला के हमलों में इजरायल के 6 सैनिक और 3 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון. מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בביירות.
वहीं दूसरी तरफ पिछले 18 घंटे में इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों की लाशें बिछा दी हैं। महज एक घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के 100 लड़ाकों को भयानक धमाकों से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के लड़ाकों को इजरायल ने इस तरह से टारगेट करके मारा है कि मरने वाले हिजबुल्ला लड़ाकों को अपने मरने का एहसास तक नहीं हो पाया। इजरायल के आईडीएफ ने जोरदार धमाकों से हमास और हिजबुल्ला लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। हिजबुल्ला के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजरायल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना एक सशस्त्र विंग है जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्ला लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हिजबुल्ला हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्ला के पास इजराइल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गुरिला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। लेबनान, ईरान और सीरिया, ये तीन देश तो इजराइल से खूनी बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। हिजबुल्ला के साथ साथ हुती विद्रोही भी इजरायली सेना पर हमला करने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि कई मुस्लिम देशों ने कहा है कि अगर इजरायल ने सीज फायर के दौरान भी हमले जारी रखे तो फिर दुनिया इजरायल की तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखेंगी। फिर ना तो इजरायल को अमेरिका बचा पाएगा और ना ही ब्रिटेन और जर्मनी। हिजबुल्ला हुथी का हमला, नक्शे से मिटेगा इजरायल। इधर ईरान इस्लाम के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को इजरायल के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहा है, लेकिन 62 साल के ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तो साफ कह दिया है कि हमें ऊपर वाले के नाम पर इजरायल के क्रूर हमलों के खिलाफ एकजुट होना होगा और इजरायल के भीषण हमलों का जवाब देना होगा। ملت‌های مسلمان این دامایه ننگ خود می‌دانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین می‌ریزد دولت‌ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند.